आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लव तो लव है, इसमें कोई जिहाद नहीं, ओवैसी का हेमंत विश्वा शर्मा पर निशाना। भारत रूस बैठक पर यूक्रेन जंग का असर, रूस की यात्रा नहीं करेंगे पीएम मोदी, पुतिन से बनाएंगे दूरी। ब्रिटेन में क्रिसमस पर सबसे बड़ी हड़ताल, यात्री परेशान, दिसंबर में रेल और एयरपोर्ट सेवाएं होंगी बाधित, टूरिज्म पर पड़ेगा असर। रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल बाहर, मोरक्को ने नॉकआउट से हराया, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनी। सेमीफाइनल में पहुंचा फ्रांस, इंग्लैंड को क्वार्टर फाइनल में 2-1 से हराया। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को देश में 3 संस्थानों का वर्चुअल माध्यम से एक बड़ी सौगात देंगे। इन संस्थानों में गाजियाबाद कमला नेहरू नगर स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान भी शामिल है। 381 करोड़ की लागत से बने उत्तर भारत के सबसे बड़े यूनानी अस्पताल में 14 विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों का इलाज करेंगे। आयुष मंत्रालय द्वारा संस्थान के उद्घाटन की तैयारियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। गाजियाबाद में यूनानी पद्धति का अस्पताल खोलने के बाद लोगों को काफी राहत मिलेगी। कई तकनीकी मशीनों द्वारा उनका उपचार किया जाएगा। खबर अलीगढ़ से है, जहां नगर पंचायत में कस्बे के लगभग 7 दर्जन महिला पुरुष सफाई कर्मचारियों के पद पर कार्यरत थे, पर शासन ने टप्पल नगर पंचायत का दर्जा समाप्त कर दिया, जिसके बाद शासन द्वारा सफाई कर्मचारियों को कार मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों में आक्रोश देखा गया और उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना देना शुरू कर दिया, जो अभी भी जारी है। इस दौरान धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने कहा कि अगर शासन ने हमारी बहाली नहीं की तो अनिश्चितकालीन धरने के आंदोलन को विभिन्न आंदोलनों में बदलने के लिए मजबूर होंगे। भारतीय वाल्मीकि संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जिला अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र के अंदर एक नगर पंचायत का जो कार्य चल रहा था, जो गरीब मजदूर लोग जो सफाई कर्मचारी थे, काफ़ी दिनों से कम साल से 1.5-2 साल से अपने कार्यों को अंजाम दे रहे थे, अपने पेट का पालन पोषण जो उनका गुजारा चल रहा था। खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर भगत सिंह चौक पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत व भगत सिंह यूनियन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और 3 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इस दौरान भगत सिंह यूनियन के पदाधिकारी संजीव तोमर ने बताया कि खेल मैदान की जमीन निर्धारित हो, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए शिकारपुर में सरकारी लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए, इन्हीं सब मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। प्रयागराज में आगामी माघ मेला को साकुशल संपन्न कराने हेतु पुलिस आयुक्त ने मानसरोवर सभागार में बैठक की। बैठक में एक और थाना स्थापित करने और श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं व सुरक्षा प्रदान किए जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक सुरक्षा माघ मेला गंगा पार यमुना पार सहित सभी पुलिस उपायुक्त मौजूद रहे। जो पुलिस अधिकारी हैं, इन सभी के साथ में आज ये बैठक की गई है इधर माघ मेला क्षेत्र में, और इसमें जो अभी तक की व्यवस्थाएं हैं, जो अभी तक की तैयारी और प्लानिंग है, इसके संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है, जिससे जो आगामी मेला है उसमें सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ जो सुविधाएं हैं जो पुलिस के द्वारा दी जानी है और पुलिस एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करे, इसके लिए विस्तृत चर्चा की गई है, प्लान किया गया है, और हम लोगों के द्वारा क्या
और चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, क्या चीज़ें हमें करनी होंगी इस बार के मेले में को ध्यान में रख। संबल में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मौलाना मोहम्मद अली जौहर के 144वें जन्मदिन के अवसर पर ग्रामीण खेल कूद प्रशिक्षण एकेडमी द्वारा 4 दिवसीय 15वें जौहर महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया। देश के उज्जवल भविष्य को तमाम प्रकार के नशे से बचाकर उनका शारीरिक मानसिक विकास कर उनको चरित्रवान बनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से भारत की मिट्टी से जुड़े खेल कुश्ती का आयोजन हुआ, जिसमें 4 दर्जन से अधिक कुश्ती मुकाबले हुए, जिसमें नई नस्ल देश के उज्जवल भविष्य को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया गया। जन्मदिन पर जो है मदरसा मौलाना मोहम्मद अली जौहर के तत्वाधान में गामा पहलवान महिला पुरुष कुश्ती ग्रामीण प्रतियोगिता ग्रामीण प्रशिक्षण एकेडमी की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य इसका ये है कि हमारी जो बच्चे हैं, आने वाली नस्लें हैं, इस देश का उज्ज्वल भविष्य है, ये नशे में आकंठ डूबते चले जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम इन बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास करें। संबल में अवैध भट्टे माफियाओं पर खनन अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। खनन अधिकारी सोमेंद्र तिवारी ने एक सप्ताह में अवैध भट्टों की चिमनी तोड़ने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बिना परमिशन के चल रहे भट्टों को खनन अधिकारी ने अवैध भट्टों की दीवारों पर भी बुलडोजर चलाया है। बिजनौर में गन्ने से भरे ट्रक की चपेट में आकर बाइक पर सवार 2 महिला समेत 1 मासूम बच्चे की मौत हो गई। एक ही परिवार में हुई 3 लोगों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और फरार हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अपने घर वापसी जा रहे थे, जो एक गन्ने का ट्रक जो कुचल के इन्हें तीनों को, और ये भाग गया था वहाँ से। ये नींद रूम में ट्रक पकड़ गया है और वो मस्जिद के रहने वाले हैं। अच्छा, कहाँ पे आए थे ये? राहत प्रधान जी के यहाँ आए थे, यहाँ से वापसी जा रहे थे अपने घर वापसी। और लड़की, दोनों लड़की वो हमारी चिजरी है जिनकी। अच्छा, ये लड़की यहीं की रहने वाली थी। गाजीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एनकाउंटर में 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया है। बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायर कर अपराधी फरार होने की फिराक में था। जवाबी मुठभेड़ में अपराधी घायल हो गया। अपराधी के पास एक तमंचा, 3 अलग खोखा, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और घायल बदमाश जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। विगत करीब 15-20 दिनों में 2-3 घटनाएं जनपद गाजीपुर में हुई थी, जिसको लेकर निरंतर समय बदल बदल के चेकिंग की जा रही थी। आज भी जनपद के विभिन्न थानों में चेकिंग चल रही थी। थाना प्रभारी नक्सर हॉल्ट, अपना नक्सर क्रॉसिंग पे चेकिंग कर रहे थे, तो इन्हें एक मोटरसाइकिल सवार आता हुआ जब दिखाई दिया, इन्होंने रोकने का प्रयास किया। खबर गोंडा से है, जहां पर बभन जोत क्षेत्र के पिपरा आदाई में जंगली फल खाने से 4 बच्चे बीमार हो गए, जिनको सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि जेट्रोफा में एक तरह का टॉक्सिन होता है, जिससे मसल रिएक्शन होता है। छोटे बच्चे अगर यह फल तोड़कर खा लें तो उन्हें उल्टी, पेट दर्द, दस्त व गर्मी लगती है। डॉक्टर ने आगे बताया कि सभी बच्चे का इलाज चल रहा है, सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं और बच्चों की हालत ठीक होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उल्टी दस्त, उल्टी की शिकायत थी, पेट में दर्द हो रहा था, इस समय ठीक ठाक है। मतलब ये कोई ऐसा तो है नहीं पौधा कि जो आगे चल के मतलब परेशानी और ज्यादा हो, तो अब सब लोग खतरे से
खतरे बाहर हैं और जो भी प्राथमिक इलाज है वो चल रहा है। कब तक इनको छुट्टी मिल जाएगी? दो घंटे रोक के देखेंगे हालत, उसके बाद सुधार। खबर संभल से है जहां पड़ोस में नया मेडिकल खोलने पर पुराने मेडिकल स्टोर के मालिक ने अपने आधा दर्जन लोगों के साथ नए मेडिकल स्टोर मालिक पर लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अनिल क्या हुआ आपके साथ? दुकान पे आके गुंडागर्दी से मारा। किसने? कौन लोग? मनोज चीनी करके। मारने की वजह क्या? मारने की वजह मेडिकल स्टोर हमने खोला नया, उनका पुराना है, मेडिकल बंद कर दो नहीं तो हम मारेंगे। मेरे साथ बाद मेडिकल वालों ने मेरे को मारा है, मेरे को, मेरे चाचा को, पापा को डंडे से मारा है। पहले गाली बकी, हम उसके यहाँ पूछने गए कि क्या बात है, तो उन्होंने हमें डंडों से मारा है। पता नहीं क्यों सुबह आते ही गाली बकने लगे, तो पापा ने हमें बुलाया दुकान से। मैं बैठता नहीं हूँ दुकान पे इस वाली पे। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।